लोकसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई है। हर राजनीतिक पार्टी जिताऊ कैंडिडेट की तलाश में और इसके लिए वे सर्वे से लेकर माननीयों द्वारा किए गए कार्यों के रिपोर्ट कार्ड तक तैयार करवा रही है। इसी कड़ी में आपके चिर परिचित जालौन के नंबर वन चैनल जालौन मेट्रो ने भी चुनावी यात्रा का आगाज इस उद्देश्य से किया कि नेताओं के द्वारा जनता से किए गए वायदे पूरे हो पाए या नहीं। इसी की पड़ताल के लिए जालौन मेट्रो की टीम उतरी है ग्राउंड जीरो पर और बात हो रही है जालौन भोगनीपुर गरोठा संसदीय क्षेत्र की, जहां के सांसद हैं भानु प्रताप वर्मा, जो कि पिछले 5 बार से क्षेत्र के सांसद हैं और वर्तमान में केंद्रीय लघु एवं सूक्ष्म उद्यम मंत्री भी। देखिए ग्राउंड जीरो से उन्होंने कितना किया क्षेत्र का विकास और जनता कितनी खुश है उनके काम से। सच्चाई दिखाता सांसद का रिपोर्ट कार्ड, जनता ने सांसद जी को कितने दिए नंबर, जनता के बीच सांसद का रिपोर्ट कार्ड, जनता की जुबान। हमारे जालौन मेट्रो के लोकसभा चुनाव चुनावी यात्रा में क्षेत्र के 5 बार के सांसद एवं वर्तमान में केंद्रीय राज्य मंत्री लघु एवं सूक्ष्म उद्यम मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा के द्वारा आज के 9 साल पहले आदर्श सांसद ग्राम के रूप में गोद लिए गए गांव हरदोई गुजर से आइए देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। स्थानीय लोगों ने क्षेत्रीय सांसद के विकास कार्यों पर क्या प्रतिक्रिया दी और उन्हें कितने नंबर दिए। जालौन जनपद मुख्यालय उरई से 13 किलोमीटर की दूरी पर कोंच रोड मुख्य मार्ग के किनारे बसे होने के बावजूद बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हरदोई गुजर गांव की तस्वीर बदलने के लिए सांसद भानु प्रताप वर्मा ने 2014 में उसे गोद लिया था, यानी यह गांव सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित हुआ था। समस्याओं से जूझते गाँव वालों को विकास की तमाम उम्मीदें थीं, परंतु गोद लेने के बाद अभी तक सांसद ने एक बार भी गाँव का निरीक्षण नहीं किया है। ग्रामवासी सांसद के द्वारा गोद लिए जाने का दंश झेल रहे हैं। करीब 8,500 की आबादी वाले ग्राम हरदोई गुजर में समस्याएं भी कम नहीं हैं। इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जालौन गरौठा भोगनीपुर क्षेत्र के सांसद भानु प्रताप सिंह ने हरदोई गुजर गाँव को गोद लिया था। इसके तहत गाँव के हर घर में शौचालय होगा, सभी के पास पक्के घर होंगे, सड़क, जल निकासी, तालाब और बिजली व्यवस्था दुरुस्त होगी। परंतु ये सब जुमला ही साबित हुआ, करीब 10 साल होने को है, आज तक आदर्श ग्राम नहीं बन पाया। गांव में जाने पर गंदगी का अंबार, टूटा हुआ नाला, बजबजाती टूटी फूटी नालियां व जर्जर बिजली के कई जगहों से टूटकर झुणे तार, अतिक्रमण किया हुआ तालाब, इसके साथ साथ मुख्य मार्ग पर संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा कि चारों तरफ घास फूस व गंदगी इस बात की गवाही दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छता अभियान को भी पलीता लगाया जा रहा है। ग्रामीण कहते हैं कि सांसद जी का गोद लिया, गांव अभी तक गोद में ही है, आखिर सांसद जी को अपने द्वारा ही गोद लिए, गांव की सुध कब आएगी, अब तो चुनाव भी निकट है। आइए सुनते हैं क्या कहना है ग्रामीणों का। जी भैया, क्या नाम है आपका? कौशल किशोर सोनी। कौशल जी, देखा जा रहा है कि क्षेत्रीय अपने जो सांसद है भानु प्रताप वर्मा जी द्वारा ये 9 वर्षों में इस गांव को गोद लिया है, 9 वर्ष लगभग हो गए हैं, तो इन 9 वर्षों में उनके द्वारा क्या क्या विकास कार्य हैं और किन किन समस्याओं का उन्होंने निदान किया है इस गांव? 9 वर्षों के उपरांत हमारी समझ से देखा जाए तो ज्यादा कुछ विकास नहीं कराया गया है। केवल पानी की टंकी के अलावा और यहाँ कुछ कार्य नहीं हुआ। देखा जाए तो पानी की टंकी तो एक हर गांव में इस समय हर योजना के तहत बनाई जा रही है, पानी की टंकी से कोई विकास नहीं होगा? नहीं नहीं, देखा जाता है हरदोई गुजर में जल निकासी की एक अहम समस्या है, उसका कहीं कोई निदान हुआ इन वर्षों में? जल निकासी के अंतर्गत जो है एक नाला बनाया जा रहा था, वो केवल 100 मीटर या कितना बना होगा, लगभग इतना ही बना हुआ है और काम रुक गया है। इस नाले का निर्माण जो है वहां से कौन से गाँव वहाँ से जो है सरकारी अस्पताल से और इस नाला में मिलना था, वो काम अधूरा पड़ा हुआ है, उसका काम कुछ नहीं हुआ है। माननीय सांसद जी केंद्र में मंत्री है, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री है, पिछली सरकार सत्तारूढ़ सरकार थी, उनमें देखा जा रहा है कई लोगों ने अपने गांव को, अपने नगर को, अपने कस्बे को, अपने शहर को मॉडल शहर बना दिया है, तो इस हरदोई गाँव में कहीं दिखा आपको ये मॉडल गाँव बनाया गया है? मॉडल के नाम पे कुछ नहीं है। और यहाँ देखिए अम्बेडकर, आप देखो अम्बेडकर जी की जगह होते हुए भी यहाँ कितनी गंदगी बढ़ी हुई है और कोई सुनवाई नहीं है, जबकि ग्राम प्रधान भी जो है यहाँ का हरजन है, हरजन सीट से यहाँ
कोई सुनवाई नहीं है। तो अगर कहीं लोकसभा 2024 में लोकसभा सीट से उन्हें तुम्हारा टिकट मिलता है तो आप उनको 10 में से कितने नंबर देंगे? अब 10 में से वैसे तो जो है 8 नंबर दे देंगे। अच्छा, वैसे अलग उनके नाम पे देंगे कि मोदी जी के नाम पे? मोदी के नाम पे देंगे, उनके नाम पे कुछ नहीं है। अच्छा, सांसद के नाम पे कुछ नहीं? गोद लेने को प्राण कुछ नहीं है, उनने गोद लिया था तो काम होना चाहिए, लेकिन काम उस स्तर से नहीं हुआ है। तो माननीय केंद्रीय मंत्री जो भानु प्रताप जी वर्मा है, तो आप अगर उन्हें टिकट मिलता है तो केंद्र सरकार से, मतलब जो सत्ता पार्टी है उससे क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे आदमी को टिकट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं, वैसे तो सांसद जी ईमानदार हैं, सब सारी बातें हैं, लेकिन जो है जिस स्तर से काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ है। ईमानदार है, लेकिन मेन मुद्दा होता है रोजगार। रोजगार का कहीं कोई जनपद जालों ने देखा है कि रोजगार युवाओं को नहीं, रोजगार के नाम पे तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं, कोई व्यापार में कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं। भैया क्या नाम है आपका? हाकिम सिंह यादव। हाकिम, क्या कुछ कहना चाह रहे थे अभी आप? ना कोई नाली साफ है यहाँ पे, मतलब कि पानी रोड में चलो सीधी ऊपर तक कोई विकास नहीं, सीधी सी बात है यहाँ पे। अच्छा, विकास नहीं हुआ, कुछ देखा जा रहा है। जो अपने क्षेत्रीय सांसद है भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, उनके द्वारा ये गांव गोद लिया गया है, तभी इस गांव का कोई विकास नहीं, तभी से तो गांव अनाथ हो गया जिस दिन से गोद लिया है। अच्छा, जब से गांव गोद लिया तब से गांव अनाथ हो गया, तभी से अनाथ हो गया, अनाथ हो गया। भिन्न के बाद वो शासन है उनका, गाँव में कुछ विकास होता ही नहीं। नेताजी का है, कितने बार सांसद जी इस गाँव में आए लगभग 9 वर्षों में? हमें तो एक बार दिख रहे, जब वो गौशाला में जाम लगा था, जब गौशाला में जाम लगा तभी आए थे, वर्षा हो गई थी फसलों का। अच्छा, कोई कुछ नहीं हुआ। और क्या क्या समस्या है यहाँ? समस्या थी कितनी जुड़ाते हैं हम तो, पानी की तो दिक्कत, जैसे नल भी लगे, टंकी लगी हमारे गांव में, यही फटा है पाइप, थोड़ी आगे देखो, देख सकते हो आप जाके। अच्छा, गाँव में रोडों की क्या स्थिति है? रोड कोई सही नहीं है, कोई रेड नहीं, नाली की स्थिति आप देख लो, दो कदम चल गए, मैंने देखा, मैंने रियलिटी चेक किया है, सारी नाली बंद है, पूरी भरी हुई है। सफाई की व्यवस्था? सब कोई सफाई नहीं है इस गांव, मतलब तो कोई काम धरातल पे नहीं है, कोई नहीं धरातल। अच्छा, आगामी अगर 2024 लोकसभा सीट में उनको जैसे टिकट पुनः मिलता है तो आप उनको कितने नंबर देंगे 10 में से? और नंबर तो उनको उसी टाइम देंगे, इस समय क्या कितने नंबर देंगे, लगभग 10 में से कितने नंबर देंगे? अब जो तो आप देखेंगे जो समझ में आएगा, हमारे साथ एक नंबर दे सकते हैं बस, 10 में से एक नंबर, एक नंबर दे सकते हैं बस, खाली वो मोदी जी के नाम से, मोदी जी के नाम पर, मतलब सांसद जी को वोट नहीं देंगे? जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन यादव है। नवीन, हरदोई की निवासी है? मैं हरदोई, मेरी बुआ है यहाँ, अधिकांश मेरा आना जला लगा रहता है, दो चार दिन में आता रहता हूँ, यही रहता हूँ। नवीन जी, देखा है अपने जो क्षेत्रीय सांसद है भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, इस गांव को 9 वर्ष पहले गोद लिया था, तो इन 9 वर्षों में उनके द्वारा क्या क्या विकास कार्य हुए? हमारे टाइम से तो कोई भी विकास तो दिख नहीं रहा है, और जो विकास वाली बात है, आप लोग भी घूमेंगे, आप लोग भी सर्वे करने के लिए निकले हैं, यही चेक सर्वे के लिए, सर्वे में आप पाएंगे कि यहाँ पे कोई भी विकास कार्य भी नहीं हुआ है, और जो कुछ विकास कार्य हुआ भी था वो विकास कार्य पूरा पानी मिला दिया गया, क्योंकि ये नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट लाया गया है गाँव में, काफी दिनों बाद ये सड़कें डलती है, काफी वर्षों बाद वो सड़कें जो डली थी उनको भी उखाड़ के चले गए। अब उसमें कहा गया ठेकेदारों से इसमें कुछ लगाइए, ठेकेदार कोई सुनते नहीं है, और जो हमारे नेतागण आते भी थे, जब से हमारे सांसद जी का ये हो चुका है, गोद ले लिया है, तब से वो भी नेता आने बंद हो चुके हैं। अच्छा, क्योंकि आदमी जो सांसद होता है, सांसद के आगे कौन होता है? अब वो ही नहीं आ रहे तो हम लोगों को पूछेगा कौन? जो विकास होना था वो सड़कों पे है, सड़कों पे दिख रहा है, सड़कों पे है सीधा। अच्छा, आगामी लोकसभा चुनाव आने वाला है, अगर पुनः कहीं भारतीय जनता पार्टी उन्हें विश्वास जता रही है, उन्हें पुनः टिकट देती है, तो 10 में से आप कितने नंबर देंगे? नंबर तो हम उनको देंगे पूरे में से पूरा, जब कोई वो विकास करके दिखाए, आप खुद ही नंबर देंगे कि कितने नंबर देने चाहिए, आप भी घूमेंगे, आपसे हम पूछे कि कितने नंबर देना चाहिए, आप भी ये दबाव नहीं दे पाएंगे कितने, जब हमारे यहाँ क्षेत्र में विकास हो जाएगा हम लोग ऑटोमेटिक नंबर देंगे। कहीं वो इन 9 वर्षों की जो परीक्षा उन्होंने पास की, परीक्षा में पास की जगह पास हुए हैं कि फेल हुए? हमें तो फेल ही से समझ में आ रहा है, कोई विकास कार्य करेंगे अपने आप आएंगे, जैसे आपने अभी बात की थी अखिलेश यादव जी की, अखिलेश यादव जी ने अपने यहाँ क्षेत्र में कुछ कार्य किए हैं तब उनकी जनता उन्हें वहाँ लाइक कर रही है, आप हमारे यहाँ क्षेत्र में काम करेंगे तो आपको भी जनता लाइक करेगी, हम लोग करते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बनाया ना हो, विश्वास ही पे तो बनाया है, विश्वास आप तोड़ते जा रहे हैं तो वो चीज आपके सामने होती जा रही है। अब आगे चुनाव में मत किसी का बता के नहीं होता है क्या होना है, कितने नंबर देने, वो तो हम लोग सब लोग जाएंगे अपने आप से डाल के आएंगे, वो तो दिखाई देगा सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितेंद्र कुमार, कहाँ की निवासी है? हरदोई गुर्जर। अच्छा, जितेंद्र, देखा जा रहा है कि माननीय जो सांसद है अपने भानु प्रताप जी वर्मा इस गांव को गोद लिए हैं, तो गोद लिए इस गांव को 9 वर्ष हो गए हैं लगभग, तो कितना विकास कार्य धरातल पे किया है? कोई विकास नहीं, देख रहे हैं आप, ये पूरा शीशा खुदा पड़ा हुआ है, नालियां भरी पड़ी हैं, कोई विकास नहीं है, विकास के नाम पे जीरो है। रोडों की स्थिति क्या है ये देखिए आपके सामने है। अच्छा, पूरा खुदा पड़ा है,
विगत 15 साल हो गए इसको करीब, ऐसे ही पड़ा है, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, इस गांव में एक जल निकासी की अहम समस्या है, जल निकासी, यहाँ इस गांव में जल निकासी नहीं हो पाती है, तो जल निकासी का क्या मतलब मुद्दा रहा, आप लोग कैसे मतलब कार्य करते हैं, कैसे निकलते हैं जल भराव में? जल भराव में घुसकर निकलते हैं हम लोग, बड़ी दिक्कत होती है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, कई बार बच्चे वहाँ से घूम के जाते हैं। कभी आप लोगों ने, आप इस गांव के निवासी हैं, कभी आप लोगों ने ये मुद्दा नहीं रखा सांसद जी के सामने कि इस गांव का आप जैसे गोद लिए तो उसका विकास कराएं? कई बार उनको बताया गया, लेकिन तो क्या पूरा आश्वासन, बस बस हो जाएगा हो जाएगी, जैसे पुलिया है उसके निर्माण के लिए कहा था कि ये दिक्कत हो रही है, जल भराव हो जाता है, लेकिन कोई समस्या नहीं, कोई समाधान नहीं, ऐसे ही काम चल रहा है। पुनः जैसे टिकट मिलता है सांसद जी का, अभी 2024 लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो आप उनको 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 1 नंबर। 1 नंबर? हाँ। 3। आप 1 नंबर, आप कितने नंबर देंगे? 3। भैया आप कितने नंबर देंगे? 1 नंबर भैया आप, अभी वोटर नहीं है भैया, आप कितने नंबर देंगे? 10 में से 0 नंबर। तो कोई विकास कार्य नहीं कराया सांसद जी? जी भैया, क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम मनीष मिश्रा है। मनीष मिश्रा जी, देखा जा रहा है कि जो केंद्रीय राज्य मंत्री अपनी क्षेत्रीय सांसद भानु प्रताप वर्मा जी, उनके द्वारा 9 वर्ष पूरे पहले ये गांव गोद लिया गया था हरदोई, तो इन 9 वर्षों में क्या क्या विकास कार्य उनके द्वारा किया गया? देखिए, विकास के नाम पे हमारे यहाँ पे रोड पड़े हैं, यहाँ पे थोड़ा आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कि मतलब रोड के नाम पे जो पाइप लाइन डली थी उसका उखाड़ के आज तक इसका देख रहा है, मेन रोड है हरदोई गुजर का, इस पे आप थोड़ी सी बरसात में आप देखेंगे यहाँ पे चलना दूभर हो जाता है, हम लोगों का बाइक फिसल के यहाँ पे गिरती है, नाली आप उखड़ी पड़ी है यहाँ पे, केवल गोद लेने से कुछ नहीं होता है यहाँ पे, बल्कि काम दिखना चाहिए आपका। धरातल पे कोई काम दिखा है? तो मेन रोड है यहाँ पे, रास्ते हैं जो थोड़ा जर्जर पड़े हुए हैं, नालियां हैं, इनकी व्यवस्था नहीं सुधरी है, काफी शिकायत भी 1-2 बार हम लोग कर चुके हैं। मनीष जी, देखा जा रहा है कि जर्जर तार आपके घर के सामने है, बिजली के तार है, इसमें कहीं कोई ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता है, अगर सांसद जी एक लिख के भी दे रहे हैं विद्युत विभाग को, तो एक जर्जर जो आपके तार दिख रहे हैं, अहम मुद्दा है, कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, हम जैसा कहना चाहते हैं कि मतलब ये जो लाइनें पड़ी हुई है यहाँ पे, आप आगे भी चल के गांव में जैसे जाएंगे, रियलिटी चेक के पूरे गांव में ऐसी जर्जर तार, हाँ, कई जगह ऐसे लाइनें झूल रहे हैं, 1-2 बार घटना भी यहाँ पे हुई है, शिकायत भी हुई है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी। ये लाइनें जो पड़ी हुई है, बंच लाइनें पड़ी हुई है, कहीं टूट जाती है, गिर जाती है, 1-2 अपनी घटनाएं भी हुई है हमारे यहाँ पे, तो उनपे हम सोच रहे हैं कि मतलब इनका भी काम हो जाए। सांसद जी से मेरा अगर वो सुनेंगे तो ये अनुरोध है कि ये हमारे यहाँ की सड़क है और जो बिजली की जो थोड़ी अर्थव्यवस्था ये खराब है, ये लाइन बंच लाइन और ये वगैरह, ये मतलब उनका काम ठीक ठाक हो जाए। और कोई क्या नाम है आपका? त्रिवेणी। त्रिवेणी किस गाँव की निवासी है? हरदोई गुजर। अम्मा, देखा जा रहा है इस गांव में कोई विकास कार्य हुई अभी तक? का भाव देख रहे तुम सामने, जो का गरीब आदमी और जो भरो है ना, ना देख रहे हैं कि आपके घर के सामने रोड पे पानी बह रहा है, क्या कुछ कहेंगे? हम तो यही कह देखो, साहब को सुनाई नहीं है। तो इस गांव को सांसद जी ने गोद लिया है, कहीं कोई विकास कार्य नहीं कराया? कराया नहीं, हम का कर दे। जी दादा, क्या नाम है आपका? राम सरी। कहाँ के निवासी है? हरदोई गुजर का। दादा, देखा जा रहा है 9 वर्ष पूर्व अपने जो क्षेत्रीय सांसद भानु प्रताप जी हैं, उन्होंने इस गांव को हरदोई गुजर को गोद लिया था, तो इन 9 वर्षों में कभी देखा है उनको आप? नहीं देखा। इस गाँव में कभी आए हैं? नहीं आए। अच्छा, आप दिव्यांग हैं, आपके लिए कहीं कोई विशेष उन्होंने कैंप वगैरह कुछ लगवाए हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। विकास की क्या स्थिति है इस गाँव में? विकास में जो ऐसा जो 5 वर्ष ही हो गई है, तालाब के लिए रास्ता नहीं है, तालाब की जो हालत देखी है। अच्छा। और साहब, और जो नाली की जो नल देखो जी, जो पानी 24 घंटा बाद है ना, मचाला हो जाता है, ऐसा है। अच्छा, तो अगर पुनः कहीं उन्हें दोबारा टिकट मिलता है बीजेपी से, उन्हें आप 10 में से कितने नंबर देंगे? ओ, आप हम का को नंबर देंगे? नहीं देंगे। वोट के माध्यम से वोट देंगे उनको? वोट हम वोट की का कह दे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सीताराम भाटू। किस गांव? हरदोई गांव के निवासी है। हरदोई। अच्छा सीताराम जी, देखा जा रहा है कि इस 9 वर्ष पूर्व इस गांव को केंद्रीय अपने मंत्री भानु प्रताप जी और क्षेत्रीय सांसद हैं, उन्होंने इस गांव को गोद लिया था, तो इन 9 वर्षों में किन किन विकास कार्यों को इन गांव में कराया गया है? विकास कार्य का है, कागज में तमाम विकास कार्य चल रहे हैं। कागज में विकास हुआ है, धरातल पे कोई विकास, कोई खास विकास ही नहीं है, नाली पन्हारे तमाम चीजें या कहीं कुछ है ही नहीं, कोई विकास नहीं किया गया। देखा जा रहा है, एक आपके गांव में जल समस्या की, जल निकासी की बहुत अहम समस्या है, मैंने एक रियलिटी चेक किया, उसमें देखा कि जल निकासी को लेकर लोग काफी परेशान हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जल निकासी के लाने कहूँ ऐसी खास सुविधाएं नहीं है कि जल निकासी हो सके, या कहीं तालाब भी नहीं, कहीं कुछ नहीं है सर, जो आए पानी
अगर सांसद जी चाहते तो इन 9 वर्षों में जल समस्या और आपका गांव आदर्श गांव बताया जाता है उनके द्वारा गोलिया, तो ये जो गांव है आपका तो विकास में नंबर एक पे होता जनपद में, लेकिन उनके द्वारा गोलिया कहीं दिख रहा है कि इस गांव विकास तो गोदई में लह रहे चपेटे गोदी में लह रहे मतलब सुनने में आता है कि जो उनकी निधि आती है हर वर्ष काफी बड़ी निधि होती है सांसद निधि, 9 वर्षों में निधि आई और वापस चली गई, ऐसा क्यों? ऐसा तो भाई जब बागो विकास के लाने पैसे ही नहीं लगा है तो अपने वो तो चलो जेब में पैसा अगर हमारा डरो है तो डाले दे डरो दे। अच्छा बीजेपी जैसे लोकसभा चुनाव आने वाला, बीजेपी अगर उन पर पुनः विश्वास जताती है, उन्हें पुनः टिकट देती है सांसद का, तो आप उनमें 10 में से उनको कितने नंबर देंगे? अरे विकास को लेकर देखो विकास के लाने तो एक नंबर देंगे जैसा है ना, जा सके हो ही नहीं रहा विकास यहाँ। जी दादा आपका क्या नाम है? क्या नाम है दादा? हेमराज। कभी सांसद जी को देखा है इस गाँव में? नहीं देखा, नहीं चिंते सांसद जी। अच्छा कोई विकास कार्य हुआ है दादा? कुछ नहीं हुआ। अच्छा कोई पेंशन वेंशन वगैरह मिलती है आपको? हमारी वो सम्मान निधि के पैसे, सम्मान निधि नहीं आ रही आपकी? नहीं आती है। अच्छा जी दादा क्या नाम है आपका? राम बिहारी। राम बिहारी, सांसद जी को देखा है कभी इस गाँव में? नहीं देखा। 9 वर्ष पहले इस गाँव को गोद लिया था सांसद जी ने, कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। अच्छा भैया क्या नाम है आपका? हमार नरेश। नरेश देखा है कि सांसद जी ने इस गांव को गोद लिया था, कभी देखा है उनको? नहीं हमने तो नहीं आते हैं वो आते ही नहीं, चक्कर नहीं लगाना आते हैं। अच्छा। जी दादा क्या नाम है आपका? राम बाबू। इस गांव में कभी कोई आपको सांसद जी दिखे? रोड से निकल जाते हैं, गाँव में नहीं आते, इस गाँव को गोद लिए कहाँ भैया? जहाँ जरूरत हो होते आओ। अच्छा जहाँ जरूरत होती वहाँ आते हैं? हाँ वहाँ आते हैं। नौ देखा बड़े बड़े आदमी नौ तो गरीब नो को आ रहा हूँ। अच्छा बड़े बड़े आदमी होते हैं। हाँ अब जैसे चुनाव आ रहा है तो आएंगे? जरूर आएंगे, फिर आएंगे स्टैंड पे आएंगे, बड़े आदमी मिलेंगे अपने निकल लेंगे। अच्छा इन 9 वर्षों में उन्होंने इस गांव को गोद लिया था, कोई विकास का? आप हमारे संग रास्ता भी देख लो, आप कितनी अच्छी रास्ता है इस गांव में। रास्ता मेन समस्या, रास्ते की मेन समस्या रास्ता, आप चलो हमारे संग दिखा दे रास्ता का है यार। अच्छा आप युवा है? हाँ जी। युवाओं को रोजगार के लिए कभी कुछ किया है उन्होंने? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अच्छा तो चुनाव आ रहा है, लगभग उन्हें पुनः टिकट अगर मिलता है तो कितने वोट नंबर देंगे उनको वोट के माध्यम से? अब 10 में से कितने नंबर देंगे? एक भी नहीं मिलेगा सर, एक भी नहीं मिलेगा। भैया क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र, सांसद जी को देखा है कभी? नहीं अभी नहीं देखा। अभी देखा ही नहीं है, चेहरा नहीं देखा। भैया आपका क्या नाम? बलराम से। बलराम भैया इसी गांव के हरदोई की निवासी है, सांसद जी को जानते हैं? क्या नाम है उनका? भानु। चेहरा देखा है कभी? चेहरा नहीं देखा, चेहरा नहीं देखा। आई नहीं है। कोई विकास कार्य हुआ इनके 9 वर्षों में? नहीं हुआ, 5 साल बोल रहा है कि ये बना रहे, कुछ नहीं हुआ। जाता है कि प्रतिवर्ष सांसद निधि आती है और 9 वर्ष हो गए लगभग उनको कार्यकाल को उनको पुनः, तो 9 वर्ष में उनकी इतनी निधियां हैं, वो निधियां कहाँ लगाते हैं और कहाँ जाती है? अभी सर ये तो नहीं बता सकते, लेकिन कुछ ऐसा है जो विधायक जी से, माननीय विधायक जी से, गौरी शंकर वर्मा जी से हम लोगों ने निवेदन किया था कि सर इतना तो आप हमारे हरदोई गुजर में कर ही दीजिए कि जो वहाँ पर जो मरने का वो है तो मरघटा है, तो उसको हालांकि उन्होंने अच्छा करवाया है विधायक, माननीय विधायक जी ने अपनी विधायक निधि से उनका इतना काम लिया। सांसद निधि से क्या? सांसद निधि से तो समझ लो हमें कुछ काम उनका दिख ही नहीं रहा है, विधायक निधि से तो विधायक जी का काम है अभी चल रहा है माननीय विधायक जी। हमारे अंदर खाने के सूत्र है, सूत्रों से पता चला है कि उनकी निधि भी वापस हो जाती है। हाँ हाँ बिल्कुल, निधि वापस जब काम नहीं होगा गांव में तो निधि वापस तो होने का बिल्कुल काम ही है। आपने देखा इससे पहले और जो 70 सरकारें रही हैं उन्होंने अपने गांव नगर क्षेत्र शहर को रोल मॉडल बना दिया है, तो आपने देखा सांसद जी 9 वर्षों में इस गांव को गोद लिए रहे, तो देखा है कि ये गांव रोल मॉडल? नहीं नहीं सर बिल्कुल बिल्कुल रोल मॉडल तो मतलब सांसद जी का मैंने गौर ही नहीं की, सांसद जी ने हम लोग कह के समस्याएं सुधरी है कि बड़ी? नहीं नहीं समस्या बड़ी है इस गांव की, आप कहीं भी जानकारी कर लो इस घर के गुजर की मतलब समस्या बिगड़ी है, बनी नहीं है, कोई काम ही नहीं किया है सर। आप आगे चल के देखो रोड बिल्कुल उजड़े पड़े हैं, करंजा आप नजर मारो बिल्कुल पूरी पोजिशन है, अभी बम्बा जो नहर का आ जाता है तो समझ लो रास्ता लोग बागों को करने की तक की समस्या है यहाँ पर। चाचा क्या नाम है आपका? मोदी जी। अच्छा तो ये बताइए आपके गांव में कितना विकास हुआ है अभी तक? हमारे गांव में साहब विकास बहुत कम हुआ। अच्छा विकास तो हुआ कम हुआ। अच्छा हाँ तो क्या समस्या है जो अभी? सबसे बड़ी समस्या है हमारी जो मेन रास्ता है हरदोई के लिए घुसते हैं वहाँ पर रोड बिल्कुल खराब डला है साहब जी, पूरा खराब है साहब, मेन रास्ता तो यही है गांव के हरदोई गुजर की मेन रास्ता यही है। हाँ ये रोड जो है बाबूराम दादा ने पहले डरवाया था तब से ये बिल्कुल खंजर हो गया, पूरा रोड बेकार है साहब जी। ये पुलिया हमारी ये जो रोड से हम नीचे उतरते हैं पुलिया, ये पुलिया बिल्कुल टूटी दरी है। हाँ ये पुलिया बनना चाहिए। दूसरी समस्या है हमारी ये तालाब है जी, तालाब जो पानी जाता है वहाँ जगह नहीं है, कब्जा कर लिया लोगों ने।
अच्छा अच्छा हाँ, पूरा तालाब जो है साफ सफाई नहीं होती है। नहीं नहीं कोई सफाई नहीं होती है। तो ये कहना चाहते हैं कि जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं हाँ, और इस समय तुम्हारे सांसद जी जो है हाँ, वो आपका गांव गोद लिए हाँ, बिल्कुल लिए, तो इस हिसाब से इस गांव का विकास भी होना चाहिए। नहीं होगा, जिला मुख्यालय से ज्यादा दूर भी नहीं है, नहीं, लगभग 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर हाँ, है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो भानु प्रताप वर्मा जी हैं सांसद 5 बार रह चुके हैं और वर्तमान मंत्री भी हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? अब उनके लिए हम यही कहेंगे, उन्होंने विकास नहीं किया हमारे गाँव में, बस यही बात है। गोद भी लिया फिर भी विकास नहीं है हमारे गाँव में, विकास कुछ नहीं है साहब हमारे गाँव में। अच्छा, अस्पताल अस्पताल की व्यवस्था है? अस्पताल बढ़िया है, अच्छा स्कूल बढ़िया है, ये रास्ता गड़बड़ है बस, रास्ता सही नहीं है। हाँ, रास्ता सही नहीं है, और जो हमारे यहाँ जो तालाब है उसके शुद्धिकरण होना चाहिए। क्या नाम है चाचा आपका? भैया सिंह यादव। अच्छा, कितना विकास हुआ है आपके गांव? अब विकास का है, लाला लंगिया रास्ता लंगिया कड़बे को अभी देख लो, लाला डालो रास्ता नहीं है गाँव में कड़बे को मकान तक। अच्छा, ना सफाई हो ना कुछ हो, सब ऐसे ही पड़ा है। आगे तो जाके देखो गाँव में, और खूब गोद लाए सब करे, कुछ सुना जी नहीं कर रहा हूँ, ना सुन रहा हूँ ना काम हो रहे। अच्छा, आ रहा है काम से बोलूंगा, पता नहीं है कितने को जा रहे हैं जी। ओके, चुनाव आने वाले हैं। हाँ, चुनाव आने वाले, चुनाव आने वाला है, बिल्कुल है। और सांसद जी के बारे में आप क्या कहेंगे? सांसद जी ये कहेंगे कि साहब देख रहे आग नहीं कर रहा है, उनसे काम बड़ी जल करा तरह अपने इतने उतने घूम रहे हैं, देख देख कोई है नहीं जो गाँव को बदल आए। अच्छा, जो आपका गांव गोद लिए, तो अभी तक आपने सांसद जी को देखा है? खूब देखा है, लेकिन देखे से होत का है, कछु कौन सुनने ही नहीं है। कहते हैं आप आओ, क्यों ये कह लई, हाँ हो जाएगा लो, नाला डे रे सब डे रे। अच्छा, लोगों ने ये बताया कि जो रोड की समस्या सब दिखाया, मिलने सब देख ले, जो रोड सुनने दिखाए उतने मंदिर के दिखाए, कुछ संगे रहे इनके, लेकिन कोई असर। अच्छा, नहीं। आप साथ भी रहे उनके? हाँ, उनके संगे हम लोग रहे और ठाकुर रहे हमारे। अच्छा, सब लोगों ने घूमो खूब देखाओ, मिले सब को, कोई सुनती नहीं, राम भाई तिवारी तक संगे रहे, उन की बात नहीं मनी। अच्छा, तो बताओ क्या करें, नेकपाल है तो नहीं सुने, नेकपालों की शिकायत वही थी कि आप करेंगे तो कोलू नहीं सुने, ये है हाल, जिसका काम करना करना, चक्रो कड़ो ना कड़ो, लट मारो मरो लड़ो, सब व्यवस्था है गड़बड़ है। जालान मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जालान जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।